हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपसे GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में कुछ बातें करूँगा। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। GERD का मतलब होता है कि हमारे पेट में जो एसिड होता है वो रिफ्लक्स करके यानी कि ऊपर आ करके इसोफेगस यानी कि फूड पाइप में आ जाता है। स्टमक में एसिड होना एक सामान्य सी प्रक्रिया है, ये शरीर में बनता है, ये हमारे पाचन क्रिया के लिए और शरीर के अन्य फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। जब ये एसिड फूड पाइप में आ जाए तो जो हमें सिम्टम्स होती हैं वो होती है चेस्ट बोन यानी कि स्टर्नम के पीछे बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होना, काफ़ी ज़्यादा डकारे आना या कई बार खाना या लिक्विड मुँह में आ जाता है। रात को सोते वक्त ये ज़्यादा आ सकता है। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो कि हम एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी होती है जो कि कई बार हम ज़्यादा खा लें या कई बार हम देर से खाएं तो ये हो जाता है। एक कॉमन कंसेंसस है, इसकी डेफिनेशन है कि अगर ये हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा हो रहा हो या ये ज़्यादा सिम्टम्स दे रहा हो तो ये एक डिजीज़ बन जाती है यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो इसके जो सबसे कॉमन सिम्टम्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हार्ट बर्न, रीगर्जिटेशन, कई बार लॉन्ग स्टैंडिंग GERD के कारण एक्स्ट्रा इसोफेजियल मैनिफेस्टेशंस होते हैं यानी कि फूड पाइप से अलग सिम्टम्स होते हैं। गले में भारीपन लगना, गले में कुछ फंसा हुआ सा लगना, चेस्ट सिम्टम्स होना, कई बार लोग कहते हैं कि एस्थमा की शिकायत भी GERD से रिलेटेड हो सकती है, डेंटल प्रॉब्लम्स ये भी GERD से हो सकती है। तो ये एक्स्ट्रा इसोफेजियल सिम्टम्स हैं GERD के। लॉन्ग स्टैंडिंग GERD यानी कि काफ़ी लंबे समय तक अगर GERD चलता रहे तो इससे फूड पाइप के लोअर एंड में इरोजन्स बन जाती हैं, छोटे छोटे छाले बन जाते हैं, इसको इरोजिव इसोफेजाइटिस कहते हैं। ये इरोजिव इसोफेजाइटिस फूड पाइप में स्ट्रिक्चर पैदा कर सकता है, रुकावट पैदा कर सकता है जिससे खाना निगलने में तकलीफ हो सकती है। और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा तो कुछ लोगों में एक कंडीशन होती है जिसको बैरेट्स इसोफेगस कहते हैं। और बैरेट्स इसोफेगस एक तरह का ट्यूमर यानी कि कैंसर का प्रिकर्सर होता है। ये एक प्री मेलिग्नेंट लीजन कहलाता है और काफ़ी कम लोगों में, मतलब 0.5-1% लोगों में पर ईयर इसमें कैंसर में प्रोग्रेस करने का पोटेंशियल होता है। लोअर एंड इसोफेगस एडिनोकार्सिनोमा के बढ़ने का बैरेट्स इसोफेगस एक सबसे कॉमन कारण है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर हाई इंसिडेंस ऑफ लोअर एंड इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। तो जाहिर सी बात है कि जो एक चीज़ काफ़ी बिनाइन और इनोकुअस लगती है उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और जितना हम समझ रहे हैं उससे ज़्यादा हो सकते हैं। कई बार काफ़ी सारे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं क्योंकि ये सिम्टम्स एग्जैक्टली कार्डियक सिम्टम्स को मिमिक करते हैं। तो जब पेन, जलन के साथ दर्द हो रहा हो, रात में जब एसिड रिफ्लक्स रीगर्जिटेशन होता है तो कई लोग घबरा करके कार्डियक चेकअप में लग जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फूड पाइप और हार्ट की नर्व सप्लाई बिल्कुल एक सी होती है, इसीलिए ये सिम्टम्स इंटरचेंजेबल और कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं।